अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ साइमा इरम चांडियो। माय क्वालिफिकेशन इज़ एम कॉम, रिसेंटली वर्किंग एज अ लेक्चरर इन कॉमर्स एट गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज सांगर। डियर स्टूडेंट, दिस इज़ माय सेकंड लेक्चर एंड दिस लेक्चर इज़ फ्रॉम द क्लास ऑफ बीकॉम पार्ट टू। सब्जेक्ट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड टॉपिक इज कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, first of all the definition of cost of good manufactured statement. Cost of good manufactured statement is a summary of all expenditures incurred on the finished article or the product during a particular financial period. That financial period may be of a 1 month, 6 month or a year. My friends, agar aap cost of good manufactured statement ko सेपरेट करके पढ़ें तो कुछ इस तरह पढ़ेंगे कि दरअसल ये वो स्टेटमेंट है जिसमें हम टोटल कॉस्ट जो है वो मालूम कर रहे होते हैं फिनिश प्रोडक्ट्स की, जो कि एक फाइनेंशियल पीरियड के दौरान मुकम्मल की गई हैं। डियर स्टूडेंट, एक बात हमेशा याद रखिए कि कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट को कभी भी रट्टा लगाने की या याद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको समझने की ज़रूरत है। तो आइए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि आप कोई भी स्टेटमेंट अगर बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले उस कंपनी का, उस इदारे का नाम आप ऊपर लिखेंगे जिस इदारे की आप वो स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। जैसे कि आपके सामने एक कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट जो है मौजूद है, जिसको हमने सपोज़ किया है कि हमारे पास एक कंपनी है, ABC कंपनी। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है? उस कंपनी का नाम लिखना है जैसे कि आपके सामने मौजूद है, ABC कंपनी लिमिटेड। कंपनी का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट उस स्टेटमेंट का नाम लिखा जाता है जो कि हम प्रिपेयर करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर हम प्रिपेयर कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, तो इसलिए मैंने सेकंड स्टेप में कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट लिखा है। इसकी जगह अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बना रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं या बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो जो भी स्टेटमेंट आप बना रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आप मैंशन करेंगे। थर्ड स्टेप में आपने फाइनेंशियल पीरियड लिखना है, वो फाइनेंशियल पीरियड जिसकी आप ये स्टेटमेंट बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास फाइनेंशियल पीरियड है 2019 का, तो मैं इसको लिखूँगी फॉर द ईयर एंडेड 31st of December 2019। और कोई भी ईयर जो आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ होगा वो आपने यहाँ पर उसको मेंशन करना है। डियर स्टूडेंट, अब हम स्टेप वाइज तमाम स्टेटमेंट को जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। तो आइए सपोज़ करें कि आप कोई भी कंपनी है या कोई भी फैक्ट्री है जिसकी आप ये कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखें, अब ये स्टेटमेंट हम बना रहे हैं 31st of December 2019 को, लेकिन हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है? ऑब्वियसली फ्रॉम द 1st January 2019 से। तो शुरुआत हमने कहाँ से करनी है? जाहिर सी बात है, शुरुआत हमने करनी है फ्रॉम द 1st January 2019 से। तो इसका स्टार्ट लेने के लिए सबसे पहले हमने उस मटेरियल से स्टार्ट लेना है जो कि हमारी कंपनी के या कि फैक्ट्री के स्टोर रूम में मौजूद है, यानी कि गोडाउन्स में जो मटेरियल हमारा मौजूद है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट वहाँ से लेना है। तो पहले स्टेप में सबसे पहले आपने क्या लिखना है? ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ पे मैंने एक इमेजिनरी प्रॉब्लम लिया है ताकि मैं आपको इसको समझा सकूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट हमने कहाँ से लिया? हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री से। ओपनिंग इन्वेंट्री के बहुत सारे नाम हैं, आप इसे ओपनिंग इन्वेंट्री भी कह सकते हैं, बिगनिंग इन्वेंट्री भी कह सकते हैं, इन्वेंट्री ऑन फर्स्ट जैन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, जिसे हमने सपोज़ किया है कि हमारे पास 2 लाख की ओपनिंग इन्वेंट्री या 2 लाख की मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल जो है हमारे पास ऑलरेडी हमारे फैक्ट्री के स्टोर रूम में या हमारी कंपनी के स्टोर रूम में मौजूद था। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है? नेक्स्ट देखें, अब हमारे पास अगर 2 लाख अमाउंट का जो रॉ मटेरियल मौजूद है, जाहिर सी बात है हमें पूरे साल में प्रोडक्ट्स बनानी है, पूरे साल में जो है हमें मटेरियल चाहिए होगा, तो इस मटेरियल से ये मटेरियल तो हमारे लिए इनफ नहीं होगा। हमने वक्तन वक्तन साल में मुख्तलिफ औकात में जो है हमने कुछ परचेज़ किया होगा मटेरियल, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 महीने बाद किया है, 2 महीने बाद किया है, 3 महीने बाद किया है, लेकिन आप जितना भी आपने परचेजेस किए हैं रॉ मटेरियल की, वो सब आपने
बिगनिंग रॉ मटेरियल के साथ जो है ऐड करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ऐड रॉ मटेरियल परचेज्ड। यहाँ पर मेरे पास इमेजिनरी उसमें है रॉ मटेरियल जो हमने परचेज किया है उसका अमाउंट है 2 लाख रुपीज़। अब मैंने उसके साथ ऐड किया है ट्रांसपोर्टेशन इन। ट्रांसपोर्टेशन इन क्यों हमने ऐड किया है, परचेजेज आप जब भी करते हैं ज़ाहिर से बात है जो आपने परचेज़ किया है रॉ मटेरियल उसको अपने फैक्ट्री प्लेस पर लाने के लिए आपने कुछ एक्सपेंडिचर्स खर्च किए हैं ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। ठीक है, ताकि आप उस मटेरियल को अपने वर्क प्लेस पर जो है वो ला सकें, तो वो भी आपने उन परचेजेस के साथ जो है वो ऐड करना है। यहाँ पर मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन इन एक्सपेंसेस जो हैं वो हैं 2000 के, तो टोटल मेरे पास कितना हुआ 2,02,000 रुपीज़। ठीक है, लेकिन अब मैंने इसमें लेस करना है परचेजेस रिटर्न एंड अलाउंसेस और परचेजेस डिस्काउंट। अब यहाँ पर हम ये क्यों लेस करेंगे, देखिए आपने जो भी परचेजेस की, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जब परचेजेस करते हैं तो जब हमारे पास वो कंसाइनमेंट पहुँच जाती है तो हमें पता चलता है कि या तो ये अकॉर्डिंग टू ऑर्डर नहीं है, या फिर ये डैमेज है, या फिर ये वो नहीं है आइटम जो कि हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, उस सूरत में क्या होता है कि हम सेलर से कांटेक्ट करते हैं और उनको बताते हैं कि भाई ऑर्डर जो है अकॉर्डिंग टू आवर नीड नहीं है। उस सूरत में अगर हम उन वो परचेजेज जो हमने किए हैं हम सेलर को वापस कर दें तो उनको हम कहते हैं परचेजेज रिटर्न एंड अलाउंसेस। और अगर सेलर हमें कोई ऑफ़र देता है कि ठीक है आपके ऑर्डर के मुताबिक ये नहीं है लेकिन मैं आपको ऐसा करता हूँ कि 50% डिस्काउंट दे देता हूँ, आप इनको अपने पास ही रख लीजिए और आप उसको रख लेते हैं, मतलब वो डिस्काउंट आपका क्या होता है परचेज डिस्काउंट। तो इन दोनों को यानी कि परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस अगर हुई हैं और परचेज डिस्काउंट अगर हुए हैं तो आपने अपनी उन परचेजेस के साथ इनको लेस करनी है यानी कि माइनस करनी है। यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम में परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेज हैं 10,000 और 2,000 है हमारा परचेज डिस्काउंट, जो टोटल हो गए 12,000 जो हमने अपनी परचेजेस से माइनस किए हैं। अब जो 1,90,000 का अमाउंट हमारे पास आया है ये है हमारी नेट परचेजेस, यानी हमने अपनी टोटल परचेजेस में से अपने तमाम एक्सपेंसेस को जो है वो माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गई हमारी नेट परचेजेस। इन नेट परचेजेस को हमने क्या करना है, अपने ओपनिंग इन्वेंट्री के साथ जो है वो ऐड करना है, तभी पता चलेगा कि आया हमारे पास कितना मटेरियल मौजूद है जो हमें साल में इस्तेमाल हमने किया था। तो ये अमाउंट जो ऐड करने के बाद हमारे पास आया है यानी कि 3,90,000 का अमाउंट, वो क्या है हमारा रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, यानी हमारे पास 3,90,000 का मटेरियल अवेलेबल था जो कि हमने पूरे साल के दौरान इस्तेमाल किया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, लेस करना है क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। देखें आपने तमाम ईयर जो है पूरे फाइनेंशियल पीरियड के दौरान जो है अपनी प्रोडक्ट्स को कंप्लीट किया, ठीक है, लेकिन एंड में क्या हुआ कि स्टोर में कुछ रॉ मटेरियल बच गया। अब वो बचे हुए रॉ मटेरियल को हम अपने जो है अपनी परचेजेज और अपने बिगनिंग जो मटेरियल था हमारा हम उससे माइनस करेंगे तो ही तो हमें पता चलेगा कि आया हमने कितनी अमाउंट का मटेरियल जो है एक फाइनेंशियल पीरियड के दौरान इस्तेमाल किया है। तो इसलिए हम लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल जो यहाँ पर हमारे पास है 50,000 की। अब हमारे पास अमाउंट आया है 3,40,000 और ये 3,40,000 अमाउंट जो है ये कहलाएगा 3,40,000 का अमाउंट हमारा जो है ये कहलाएगा डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आर यूज्ड, यानी कि हमने 3,40,000 का मटेरियल जो है इस्तेमाल किया है इस फाइनेंशियल पीरियड के दौरान। अब ये तो बात हो रही थी मटेरियल की, लेकिन जाहिर सी बात है हमें किसी भी फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में हमारा सिर्फ मटेरियल यूज़ नहीं होता बल्कि हमारे लेबर भी यूज़ होते हैं और हमारे एक्सपेंडिचर भी उसके ऊपर आते हैं। तो अब यहाँ पर हमने ऐड करना है इसके साथ डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या फ़र्क होता है, देखें डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि डायरेक्टली यानी कि इन्वॉल्व होते हैं जो कि फाइनल प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने में, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट लेबर वो होते हैं जो कि इनडायरेक्टली यानी कि आप उसे बराह रास्त तो उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन उनके बग़ैर जो है फिनिश प्रोडक्ट का को हासिल भी नहीं किया जा सकता है। तो हमने इसमें ऐड किए अपने डायरेक्ट
लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद हमारे पास अमाउंट आता है 3,60,000 और ये अमाउंट हमारा कहलाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फिर आपने ऐड करने हैं अपने इनडायरेक्ट मटेरियल को, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को। यह हमारे टोटल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं जो इस प्रॉब्लम के मुताबिक 12,000 के हैं। ये 12,000 का अमाउंट हम ऐड करेंगे अपनी प्राइम कॉस्ट के साथ, तो टोटल हमारे पास जो अमाउंट आता है वो है 3,72,000। इट मीन्स ये क्या है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द पीरियड, यानी कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉस्ट आई है इस फाइनेंशियल पीरियड के दौरान वो कितनी है, 3,72,000। अब एट बिगनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस। देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि बिगनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस का मतलब क्या है। देखें अगर 2018 में देखें, इस कंपनी ने बहुत सी प्रोडक्ट्स बनाई होंगी, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी जो कि कंप्लीट नहीं हुई होंगी, बच गई होंगी, उन पे कुछ काम रहता होगा, जिन्हें हम सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो 80% कंप्लीट है, 90% कंप्लीट है, लेकिन 10% काम उन पे फिर भी रहता है जो कि कंप्लीट होना है। तो जाहिर सी बात है कि वो सेमी फिनिश प्रोडक्ट तो नहीं रहेंगी, उनके ऊपर जो काम होना रहता है तो वो नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल पीरियड में उनके ऊपर काम किया जाएगा। यानी कि 2018 की जो हमारी सेमी फिनिश प्रोडक्ट थी वो कहलाएंगी बिगनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस, जिन्हें हमने कंप्लीट किया है 2019 में। तो टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क पुट इन प्रोसेस हमारे पास आएगा 3,80,000। यानी ये टोटल कॉस्ट है जो कि हम टोटल कॉस्ट ये है हमारी पूरे फाइनेंशियल पीरियड के दौरान जिसे हम प्रोसेस में लेकर आए हैं। इसमें से हमने लेस करना है क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस को। इस साल भी जाहिर सी बात है सारी प्रोडक्ट्स कंप्लीट नहीं हो पाई हैं, कुछ रह गई हैं, थोड़ा बहुत काम रहता है उन पे, 20% 10% व्हाटएवर कोई भी, तो वो हमने इधर से लेस करनी है, क्योंकि वो फिर कब कंप्लीट होंगी, वो नेक्स्ट ईयर में यानी कि 2020 में जाकर वो चीज़ें कंप्लीट होंगी। अगर हमने तमाम प्रोडक्ट्स बना दी हैं, तमाम जो है क्या कहते हैं कंप्लीट कर ली हैं और कोई हमारे पास सेमी फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, तो ये इस आइटम को लिखने की ज़रूरत हमें नहीं रहेगी। लेकिन क्योंकि हमारे पास मौजूद हैं सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स, तो फिर हम इन्हें यहाँ से लेस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 40,000 अमाउंट की जो हैं वो सेमी फिनिश प्रोडक्ट मौजूद हैं, जिन्हें हमने टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क पुट इन प्रोसेस से हम जब लेस किया तो हमारे पास टोटल अमाउंट आया है 3,40,000। और ये 3,40,000 है कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर, यानी हमने इस फाइनेंशियल पीरियड के दौरान 2019 के फाइनेंशियल पीरियड के दौरान जो टोटल गुड्स हमने मैन्युफैक्चर्ड की हैं उनकी कॉस्ट है 3,40,000। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग को समझ आ गई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।